ये देखिए गाइस, आरव अपनी ड्यूटी पे आ चुका है। हाय, ब्रूनी को संभालने के लिए हमने यहाँ पे पिंजरा रख दिया ताकि वो बदमाश उधर भाग ना सके, और मैं जा रही हूँ पढ़ाने, और आरव और ब्रूनी मस्ती करेंगे। मम्मी जी क्या कर रही हो? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छोटू को ढेर सारा प्यार, बड़े को प्यार। मामा जी, आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल 2 बजे। एक्चुअली मैं बहुत लेट हो गई, मेरी बेटी की तबीयत रात को ठीक नहीं थी, तो बस सुबह से उसी के चक्कर में लगे रहे, और अभी मैं उसको सैलून छोड़ने जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा लेट हो गई है, बट मैं आपसे मिलती रहूंगी सारा दिन, तो बने रहिए हमारे साथ सारा दिन के लिए। गाइस, मैं ईशिका को छोड़ आई हूँ और मैं आके फटाफट नहा धोकर रेडी हुई हूँ। आज हमारी गली में पड़ोस में एक सुखमनी साहब का पार्ट रखा है, और वो लोग मुझे 2 बार इनवाइट करके गए हैं, और बच्चों को आने में अभी 20-25 मिनट हैं, तो मैं फटाफट जाके मथा टेक कर आती हूँ। अगर नहीं गई तो अच्छा नहीं लगता, अब तो पड़ोस ही गए हैं सारे हमारे, तो बस जाकर आती हूँ और फिर मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी, और आके भी ब्रूनो को खाना भी देना है, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। गाइस, मैं अभी पार्ट से होकर आ गई हूँ, और बड़ा अच्छा लगा सबसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा देर नहीं रुक पाई, सिर्फ 20 मिनट में बैठी हूँ वहाँ पे, और फटाफट हुआ हूँ, और ट्यूशन के बच्चे आना शुरू हो गए, और ये देखिए आरव ब्रूनो को कैसे संभाल रहे हैं। ये देखिए गाइस, आरव अपनी ड्यूटी पे आ चुका है। हाय, ब्रूनी को संभालने के लिए हमने यहाँ पे पिंजरा रख दिया ताकि वो बदमाश उधर भाग ना सके, और मैं जा रही हूँ पढ़ाने, और आरव और ब्रूनी मस्ती करेंगे, है ना आरवी? चलो बाय 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 बाय। 2000 years later. Welcome back guys. अभी हम हुए हैं पढ़ाकर फ्री, शाम के बज रहे हैं 8 बज जाते हैं मुझे आजकल, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, और आज का दिन तो ऐसा निकला कि सुबह से भागदौड़ हो रही है। पहले बेटी की तबीयत इतनी खराब हो गई, फिर उसको डॉक्टर के पास जा, दवाई ला, ये वो पटर पटर घर के काम, ब्रूनो इतना हैक्टिक गया आज का डे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और फिर उसको सैलून छोड़ के आना पड़ा, उसमें आने जाने में 1 घंटा मेरा पूरा लग गया, फिर गली में पार्ट था, वहाँ पर गए, फिर ट्यूशन पढ़ाया, अब ये टाइम आ गया 8 बज गए, और 8 कैसे बज गए आज एक्चुअली मैं समझ में नहीं आया। और अभी मैंने आरव को भेजा गोलगप्पे लेने के लिए, बहुत भूख लग रही है, कुछ बना है नहीं अभी खाने के लिए, तो आरव गया गोलगप्पे लेने, हम दोनों माँ बेटे खाएंगे गोलगप्पे, और ब्रूनो को देखिए क्या कर रहे हैं। गाइज, ये देखिए इस बदतमीज को, ये महाशय जी अपनी पेट पूजा करके, मटर गश्ती करके, सुसु पॉटी करके जाके टेबल के नीचे बढ़ गए हैं, और अब इनको आ रही है नींद। इसकी शक्ल देखो ज़रा, देखिए आप कितना धुत होके सोया पड़ा है, मतलब आप अपनी नींद पूरी करेगा और रात को हमारे सोने के टाइम पे रख देगा। मैं अभी इसको बाहर निकालती हूँ, आप देखिए गाइस, देखिए इसको मैंने टेबल के नीचे से निकाल कर यहाँ पर डाला है इसके बेड पे, और अभी ना बेड से बाहर कूदने के लिए देखो कितना एक्साइटेड हो रहा है कि मैं कैसे बेड से बाहर निकलूँ और टेबल के नीचे घुसूँ। ये देखिए आप, दिमाग देखिए कैसे लगाएगा, कूँ 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 शुरू हो गया। ये गया, हाँ जी उतरो, जंप जंप जंपी जंपी, ये देखिए पूरे एफर्ट्स चल रहे हैं इसके कूदने के। नहीं आना बाहर, अपने बेड पे सो, बाहर नहीं सोना आपने, बेड पे सो ब्रूनी, बेड पे सो जाओ। बाहर आने की पूरी कोशिश हो रही है लेकिन निकल नहीं पा रहा, देखिए गाइस, ये देखिए इसने कहां से रास्ता निकाला, देखा आपने कितना चालाक है ये लड़का, कहां से रास्ता निकाल कर देखो, अब कहां जमीन पे जाके सोएगा, फिर कोई कोना ढूंढेगा अपना जमीन पे। कहाँ जा रहे हो आप, सोने नहीं देना तेरे को, बिल्कुल एक आ गया गोलगप्पे के पीछे, गोलगप्पे हम खाएंगे तू नहीं खाएगा। आइए गाइस, ये है हमारे गोलगप्पे और ये है गोलगप्पा टाइम। गाइस, मैं अभी अपनी बेटी को लेकर आई हूँ सैलून से, और अब उसकी तबीयत काफ़ी बेटर लग रही है, दवाई हमने ले ली है, और मैंने एक पार्सल मंगवाया था अपना, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि इसमें क्या आया है। गाइस, ये देखिए मैंने मंगवाया था पार्सल, बट ये अमेजोन से नहीं आया, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये आया है फ्लिपकार्ट से, क्योंकि अमेजोन वाले से मेरी झगड़ा क्या बोलते हैं लड़ाई हो गई है, मैंने लड़ाई की है, एक तो कंप्लेंट नहीं सुनी, गद्दा एक मंगवाया था वो अभी तक रिप्लेस नहीं हुआ, ऐसे ही पड़ा हुआ है। फिर बीच में मैंने ऑर्डर दिया अपने ब्रूनो के सामान के लिए, उसका पिंजरा और ये बैग, इतना लेट हो गया कि डिले कर दिया, मैं तब तक बाजार से ले आई थी तो मैंने वापस भिजवा दिया, तो बस अब मेरी चल रही है उनके साथ दुश्मनी, जब तक मेरा वो जो गद्दा रिप्लेस नहीं हुआ ना, जब तक नहीं होगा मैं कुछ नहीं मंगवा देता। तो ये मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, अमेजोन वालों सुन लो, आपकी कस्टमर कंप्लेन कर रही है, और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया, वही जो मेरा बालों में लगाने वाला पाउडर होता है वो ख़त्म हो गया था, हिबिस्कस, रीठा और आंवला, और ये कौन सा है, शिकागाई, हाँ ये वाले पैकेट हैं, ये 2 पैक्स मैंने इकट्ठे मंगवा रहे थे कि बार बार कौन फोन करके बार बार ऑर्डर करता रहेगा, ये आंवला, शिकाकाई, रीठा, हिबिस्कस, ये पाउडर्स का पैक मैं बना लूंगी और इसको एक डब्बे में डाल के रख दूंगी, और जब लगाना होगा निकाला लगाया और धो लिया, तो ये है मेरे बालों का इंग्रेडिएंट। क्या कर रही हो मम्मी?
आ गए हो आप गाइस। देखिए बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने कपड़े चेंज किए हैं पहले, क्योंकि बहुत दम घुट रहा था गर्मी से। और क्या पंखा बंद कर दो, आंखों में लग रहा है। आ जाओ, एक्चुअली वो आंखों में लग रहा है सरसों का तेल जो मैंने जगाया है, सरसों का तेल मैंने डाला है। और मैं आज बना रही हूँ दाल मखनी इन सरसों का तेल, राइट। और तेल सड़ चुका है अच्छी तरह और आरफ की आंखों में बहुत ज्यादा लग रहा है एज यूजुअल। अब मैं डालूंगी इसमें हींग, और अब मैं डालूंगी इसमें जीरा थोड़ा सा। और गाइस ये देखिए, ये दो प्याज मैंने क्रश किए हुए हैं और इसके साथ मैंने हरी मिर्चें काटी हैं 3-4 बड़ी बड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है दाल के अंदर। तो ये अब मैं करूंगी इनको हल्का हल्का ब्राउन। गाइस ये देखिए प्याज अच्छे से लाल हो चुके हैं, और अब मैं डालूंगी इसमें 2 बारीक कटे हुए टमाटर, और इसमें ही अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच मैंने डाला हुआ है। तो ये गया इसमें टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम इसमें ऐड ऑन करेंगे नमक और हल्दी, मैंने दाल में ही उबलने के साथ रख दी है तो हमने वो नहीं डाली। अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर और दाल मखनी मसाला, वो ज़रूरी होता है दाल मखनी के लिए। ये गया रेड चिली पाउडर फॉर द टेस्ट, और ये गया हमारा दाल मखनी मसाला। अब इसे हम अच्छे से करेंगे मिक्स। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा दूध, आप दूध की जगह क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं क्रीम श्रीम ज़्यादा नहीं डालती, बहुत हैवी हो जाता है। मैंने डाल दिया इसमें दूध, और अब हम इस मसाले को तड़का लगाएंगे अच्छे से। गाइज ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है, और अब ये जो दाल हमने यहाँ पे माँ राजमा की बनाई है यानी कि दाल मखनी, हम ये मसाला इसमें पलट देंगे। ये गया हमारा दाल मखनी का मसाला हमारी दाल में, और अब हम इसको 2-3 विसल बजाएंगे, क्योंकि दाल अभी खड़ी खड़ी है तो मसाला इसके साथ अच्छे से रस जाएगा। और बाद में हम इसमें ऐड करेंगे मक्खन या देसी घी, वॉट एवर यू वांट। मक्खन, चलो ठीक है, आरव ने बोल दिया मक्खन तो इसमें मक्खन जाएगा, पर मेरा फेवरेट देसी घी है। तो अभी मैं इसको 2-3 सीटियां बजवाऊंगी और अच्छे से, ताकि दाल पूरी तरह घुल जाए, फिर दाल मखनी का मजा ही नहीं आएगा। हाँ तो मक्खन ही डालूंगी मैं, राइट। ठीक है, तो अभी हम विसल करते हैं बंद और बजवाते हैं 2-3 सीटी। गाइस ये देखिए कुकर खुल चुका है और हमारी दाल मखनी बिल्कुल रेडी है। अब जो इसमें छोटी सी कमी थी मक्खन की, मैं इसमें अब मक्खन ऐड करूंगी, तो ये पूरी तरह से बन जाएगा दाल मखनी। और आना जरा दिखाइए यहाँ पे मैंने दूध के पतीले के ऊपर क्या रखा हुआ है। ये देखिए गाइस करछी, करछी क्यों रखी हुई है? ताकि दूध ऊपर आके लीक ना हो, ऐसा होता है ना। ये पता है बहुत सिंपल गाइस, बोल लेंगे साइड से निकल जाएगा, निकल निकलता नहीं है, नहीं निकलता। आप भी करके देखिएगा, जैसे आप काम कर रहे होते हैं ना और आप दूध के पतीले को रख देते हैं गैस पे और काम में लग जाते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं, मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम भूल जाती हूँ। तो मैं ये लकड़ का पलटा रख देती हूँ दूध के पतीले पे, तो इससे दूध पतीले से बाहर नहीं ओवरफ्लो होता, अंदर ही अंदर करता रहता है। तो ये देखिए गाइस, ये हमने डाला दाल के अंदर मक्खन, तो ये मक्खन पूरा मेल्ट हो जाएगा और ये बन जाएगी दाल मखनी। आज का डिनर, टन टन। व्लॉग एंड कर दे, चलो ठीक है। चलिए गाइस अभी हम व्लॉग एंड कर रहे हैं, मिलेंगे आपसे कल अपने नए व्लॉग में, एंड फिंगर क्रॉस आज की तरह कल का डे हेक्टिक ना जाए। आज तो पता ही नहीं चला कब रात हुई कब सुबह हुई, आज हेक्टिक गया दिन, आज का हेक्टिक गया है सुबह से ना, पता ही नहीं चला, यू नो। तो इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे फंबल। और ध्यान रखिए गर्मी बहुत है, खुश रहिए, खूब सारा पानी पीजिए, अच्छा अच्छा खाइए और स्माइल करते रहिए। गुड नाइट, बाय बाय।